एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस के सभागार में स्टूडेंट पुलिस कैडेट के संबंध में बैठक की गई, जिसमें सभी थानों के उपनिरीक्षक मौजूद रहे। जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उपनिरीक्षकों को बताया गया है कि किस प्रकार से स्टूडेंट को पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में विद्यालयों में जाकर अवगत कराएं, उनको ट्रैफिक नियमों के बारे में बताएं। पुलिस का एक अलग विंग होता है, जैसे खोए हुए बच्चों को मिलाना, निराश बच्चों या भीख मांगने वाले बच्चों के बारे में जानकारी करके चाइल्ड केयर के सहयोग से उनके घर तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टूडेंट कैसे बेहतर सिटीजन बने, इसके बारे में सब इंस्पेक्टर को जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें तथा जो लोग यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनको यातायात के नियमों के बारे में समझाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, पीडब्ल्यूडी ने या जीडीए ने या नगर निगम ने कोई बोर्ड लगा है तिकोने रंग का, लाल रंग का, जिसपे बच्चों का चिन्ह बैग लिए हुए बना हो कि सामने स्कूल है, धीरे चले। अगर नहीं है तो सड़क बनाने वाली एजेंसी भी जिम्मेदार है, उसको भी दोषी चार्जशीट और विवेचना में बनाइए। लिखित निर्देश भेजे जा चुके हैं, फिर भेजे जाएंगे। नंबर वाला जिन गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 6, 7, 8, 9 आता है, उनका चालान पार्टी नंबर प्लेट में होगा, अगर HSR भी नहीं लगी है तो। ठीक है, मैं आपके 10 मिनट आ गया। ये भी जानकारी सर जरूरी है, बहुत चीजें कंसेप्ट क्लियर नहीं था। एक तो वो डेंजरस ड्राइविंग का एक है सर, उसमें रोड की कंडीशन भी देखते हैं डेंजर ड्राइविंग में, और उसमें वीडियो होना चाहिए, और स्कूल का या हॉस्पिटल का चिन्ह लगा है फिर भी आप ओवर स्पीड कर लेगा, इतनी ओवर स्पीड थी कि आपने जब ब्रेक लगाया तो सड़क पे घिसटने की स्पीड। डेंजर ड्राइविंग को आपको सिद्ध करना होगा, MPF की इन्वेस्टिगेशन लोग नहीं जानते हैं, आपको एविडेंस लेना पड़ेगा प्रॉपर उसके लिए और चीजें डिटेल। आज जनपद गोरखपुर में स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम की मीटिंग आहूत की गई। उक्त मीटिंग में सभी थाने से आए हुए उपनिरीक्षक गणों के लिए किस प्रकार से स्टूडेंट्स को पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में विद्यालयों में जा जाकर अवगत कराएं, उनके लिए ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएं, पुलिस के जो एसोसिएटेड वर्क हैं जैसे कि खोए हुए बच्चों को मिलाना, निराश्रित बच्चे या भीख मांगने वाले बच्चे या जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए किस तरह, उनके बारे में जानकारी कर उनके घर तक, अथवा अगर निराश्रित हैं तो उनके लिए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में या ओल्ड एज इंस्टीट्यूशन में उनके लिए पहुंचाना, तथा पुलिस जो अन्य सोशल कार्रवाई करती है जैसे कि फैमिली काउंसलिंग की कार्रवाई हुई या जनता को फैसिलिटेट करने की मार्गदर्शक वाली कल्याणकारी गतिविधियों के बारे में, और स्टूडेंट्स के लिए कैसे वो एक बेहतर सिटीजन बने, लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने, इसके बारे में सब इंस्ट्रक्टर्स के लिए जानकारी दी गई, तथा उन्हें यह भी बताया गया कि स्वयं यातायात नियमों का पालन करें तथा यातायात नियमों का जो लोग उल्लंघन करते हैं पहले उनको समझाएँ और बताएँ, उनकी काउंसलिंग करें कि यातायात का क्या नियम है। जब वो लोग जान जाएंगे तो अपने आप से सुरक्षित यातायात के नियमों का पालन करेंगे, इससे यहाँ की व्यवस्था और अच्छी बनेगी। थैंक यू।